बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई और राई की नर्तकियों पर बनी फिल्म द कर्सड क्वीन दो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में नामित हुई है। राई नर्तकियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर बनी ये फिल्म प्रतिष्ठित गोल्डन फॉक्स अवार्ड के लिए नामित हुई है। दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि जेता द्वारा बनाई गई अपनी तीसरी फिल्म द कर्सड क्वीन को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दो अलग अलग कैटेगरी में नामित किया। इसी के साथ ही यह फिल्म विश्व के प्रतिष्ठित द गोल्डन फॉक्स अवार्ड के लिए आधिकारिक रूप से नामित हुई है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाले कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा और जूरी के निर्णय के आधार पर अवार्ड की घोषणा की जाएगी। इस समारोह में हर कैटेगरी में बेस्ट फिल्म को गोल्डन फॉक्स अवार्ड से नवाजा जाता है। ये फिल्म समारोह लिंकन फिल्म सोसाइटी न्यूयॉर्क द्वारा संचालित है। फिल्म द कर्सड क्वीन को हाल ही में एक और बड़ी उपलब्धि मिली, जिसे अमेरिका में आयोजित लॉस एंजेलिस सिनेफेस्ट वर्ष 2018 में इसे फाइनल स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। जनवरी में लॉस एंजेलिस सिनेफेस्ट में इस फिल्म को प्रसारित किया जाएगा। द कर्सड क्वीन बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई की नृत्यांगनाओं पर बनी एक ऐसी फिल्म है जिसमें राई नर्तकियों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिवेश को गहराई से फिल्माया गया है। यह एक भावुक और संवेदनशील फिल्म है। इस फिल्म की खास बात यह है कि वास्तविक परिस्थितियों में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस फिल्म को श्री रश्मि जेता ने प्रोड्यूस किया है। प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि जेता ने इसे डायरेक्ट भी किया है। फिल्म को मैंने सबसे पहले अमेरिका के लॉस एंजेलिस में भेजा, जहां पहले भी मैं भेज चुका हूं एक बार फिल्म, और उसके बाद कलकत्ता इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल होने वाला था, वहां मैंने भेजा। वहां दो कैटेगरीज में मैंने इस फिल्म को भेजी थी, एक तो फिल्म ऑन विमेन इश्यूज और दूसरा था ये फ्री स्पीच, क्योंकि इसमें हमारे जो एंकर है मनीष सोनी और इवन हमारी कमेंट्री, ये काफ़ी अच्छा उभर के आई थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और इन दोनों कैटेगरी में हमें गोल्डन फॉक्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये नॉमिनेशन फाइनली हमें मिलता है या ना मिलता है ये जूरी डिसाइड करेगा दिसंबर में, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि बहुत हर्ष की बात है। और मेरे लिए पर्सनली कि इतने मेहनत के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद और अथक परिश्रम पूरी टीम के साथ करने के बाद हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। दूसरा, इसे डायरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है अमेरिका के लॉस एंजेलिस में, जो कि जनवरी 2018 में वहां इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। फिल्म में एंकर की भूमिका मनीष सोनी ने निभाई, वही फिल्म की एडिटिंग नरेंद्र रिठिया और मधुर गाडिया ने की। जगह पे तब किसी को ये नहीं बताना पड़ता था कि किसको क्या करना है, और क्योंकि पूरी की पूरी नेचुरल हम लोगों को शूट करना था। कलाकार अपना जो डांस कर रहे हैं, जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये सब सब पूरा का पूरा नेचुरल था। और हम लोग तो सिर्फ जाते थे और कैमरा चालू करते थे, बस देखना पड़ता था कहाँ क्या हो रहा है, तुरंत कैमरा यहाँ से वहाँ स्विच किया और उसको शूट करना शुरू कर दिया। आज हमारी फिल्म इस मुकाम पर पहुँची है, इतना अच्छा वहाँ नॉमिनेशन मिला है, तो मैं पूरी टीम को इसमें बधाई दूंगा। फिल्म का म्यूजिक सचिन उपाध्याय ने दिया है और फिल्म के गीतों में अपनी आवाज भूपत सिंह ने दी। वही दिनेश ठाकुर का विशेष योगदान रहा है। दमोह के ही शिक्षक शरद मिश्रा द्वारा इस फिल्म में अपनी चित्रकला से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। फिल्म जगत में दमोह का नाम विश्व स्तर पर पहुंचाने वाले प्रोफेसर रश्मि जेता की यह तीसरी फिल्म है। इसके पहले स्वच्छ भारत और द विस्परिंग वॉल्स ऑफ खजुराहो को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया है। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट। I am the first and the last. I am the venerated and the despised. भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र जो नारियों के देश प्रेम, समर्पण और संघर्ष की गाथाओं से भरा है, जहां बेटियों ने सिंदूर के बदले राख की साधना स्वीकार की, जहां एक विशेष समाज की बेटियां भारतीय विरासत के लिबास में लिपटी, शर्म के घूंघट में सिमटी, चकाचौंध रोशनी में लोक नृत्य को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प, पर आज बदलती सामाजिक पहचान और आर्थिक परिस्थिति से हमें झकझोर भी दिया। बड़े शहरों में
नारी मुक्ति आंदोलन का श्रृंगार करने वाली महिलाओं से दूर इन अवलाओं पर होने वाले शोषण की कहानी कुछ और ही हकीकत बयां करती है। ये काम करना अच्छा मुझे। किसी ने सच ही कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या यही है हमारी इन मजबूर बेटियों की हकीकत? माँ के खाने में खुशबू होती है बेटियां, भाई की राखी में रक्षा होती है बेटियां, पति के कर्ज में लक्ष्मी और पिता के दर्द में दवा होती है बेटियां। ये आपकी नहीं, किसी और की ही सही, जीवन के दिया में बाती होती है बेटियां। सास ससुर पति नहीं भाग में, नहीं ननदिया वारी, काय विधाता करो विड़निया, बना दो नचुनारी। काय विधाता करो विड़निया, बना दो